उमर अकमल की जगह अनवर अली कोयटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट का बिगड़ा बच्चा सुधर न सका, इस बार क्लीन चिट भी ना मिल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन, उमर अकमल को पीसीबी एंटी करप्शन कोड के तहत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मिडल ऑर्डर बैट्समैन तहकीकात मुकम्मल होने तक क्रिकेट से मुतालिक सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अकमल से कल रात होटल में तफ्तीशी एहलकारों ने पूछ गछ की। उमर अकमल एहलकारों को मुतमाइन न कर सके। क्वेटा ग्लेडिएटर्स को कल शाम ही बता दिया गया था कि उमर अकमल पीएसएल के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कौमी क्रिकेटर के मोबाइल फोन पीसीबी ने ले लिए हैं। क्या पीएसएल का पहला ही मैच फिक्स था? ये एक अहम सवाल है। बोर्ड ने एक्शन लेकर इवेंट को बचा लिया। उमर अकमल को स्पॉट फिक्सिंग के शुभार्थ पर एंटी करप्शन कोर्ट के तहत मुअत्तल किया गया। बोर्ड के पास उमर अकमल से मुतालिक ठोस शवाहिद मौजूद है। क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को भी कल तमाम शवाहिद दिखाए गए। ग्लेडिएटर्स के टॉप ऑफिशियल्स को भी मुकम्मल एतमाद में लिया गया है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, क्या ठोस शवाहिद मौजूद है बोर्ड के पास उमर अकमल के हवाले से? बिल्कुल रवीर, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे होलनाकी जो है तो खबर की बाहर आती जा रही है। अब हमें इंतहाई अहम जराए जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उमर अकमल के खिलाफ बड़े ठोस किस्म के शवाहिद है। वो शवाहिद है जिसके बाद उमर अकमल का बचना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपको याद होगा इससे पहले भी एसएल में जो है वो खाली लतीफ, शर्जील खान, उनकी जब पकड़ा गया था तो यही कहा गया था कि उनके खिलाफ जो है बड़े ठोस शवाहिद हैं। वो खिलाड़ी इससे डिनाई करते रहे लेकिन बाद में उनको इसका एतराब करना पड़ा और उसी केस में नासिर जमशेद जो है उनको जेल की आवाज भी खाना पड़ रही है इससे यूके में। तो अब उमर अकमल के केस में भी ऐसा ही है कि पीसीबी के पास बड़े ठोस किस्म के शवाहिद थे और दो तीन दिन से उमर अकमल की जो है वो रैंकिंग भी जारी थी जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को वो शवाहिद दिखाए गए। उमर अकमल को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमारी इत्तला ये है कि उनको भी वो शवाहिद दिखाए गए और उसके बाद उन्हें जो है वो खामोशी से फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद थे उनको जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और साथ ही उनके जो मोबाइल्स हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। तहकीकात जो है वो और आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल दोनों तरफ चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो चाहे वो उमर अकमल हो दोनों तरफ से खामोशी। यकीन तौर पर ये इंतहाई अहम ये पेशरफ्त है जो कि उमर अकमल के हवाले से सामने आई। अपडेट करें तो शुएब आपका बहुत शुक्रिया। उमर अकमल की जगह अनवर अली कोयटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट का बिगड़ा बच्चा सुधर न सका, इस बार क्लीन चिट भी ना मिल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन, उमर अकमल को पीसीबी एंटी करप्शन कोड के तहत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मिडल ऑर्डर बैट्समैन तहकीकात मुकम्मल होने तक क्रिकेट से मुतालिक सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अकमल से कल रात होटल में तफ्तीशी एहलकारों ने पूछ गछ की। उमर अकमल एहलकारों को मुतमाइन न कर सके। क्वेटा ग्लेडिएटर्स को कल शाम ही बता दिया गया था कि उमर अकमल पीएसएल के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कौमी क्रिकेटर के मोबाइल फोन पीसीबी ने ले लिए हैं। क्या पीएसएल का पहला ही मैच फिक्स था? ये एक अहम सवाल है। बोर्ड ने एक्शन लेकर इवेंट को बचा लिया। उमर अकमल को स्पॉट फिक्सिंग के शुभार्थ पर एंटी करप्शन कोर्ट के तहत मुअत्तल किया गया। बोर्ड के पास उमर अकमल से मुतालिक ठोस शवाहिद मौजूद है। क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को भी कल तमाम शवाहिद दिखाए गए। ग्लेडिएटर्स के टॉप ऑफिशियल्स को भी मुकम्मल एतमाद में लिया गया है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, क्या ठोस शवाहिद मौजूद है बोर्ड के पास उमर अकमल के हवाले से? बिल्कुल रवीर, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे होलनाकी जो है तो खबर की बाहर आती जा रही है। अब हमें इंतहाई अहम जराए जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उमर अकमल के खिलाफ बड़े ठोस किस्म के शवाहिद हैं। वो शवाहिद हैं जिसके बाद उमर अकमल का बचना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपको याद होगा इससे पहले भी एसएल में जो है वो खाली लतीफ, शर्जील खान, उनकी जब पकड़ा गया था तो यही कहा गया था कि उनके खिलाफ जो है बड़े ठोस शवाहिद हैं। वो खिलाड़ी इससे डिनाई करते रहे लेकिन बाद में उनको इसका एतराब करना पड़ा और उसी केस में नासिर जमशेद जो है उनको जेल की आवाज भी खाना पड़ रही है इस टाइम यूके में। तो अब उमर अकमल के केस में भी ऐसा ही है कि पीसीबी के पास बड़े ठोस किस्म के शवाहिद थे और दो तीन दिन से उमर अकमल की जो है वो रैंकिंग भी जारी थी जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को वो शवाहिद दिखाए गए। उमर अकमल को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमारी इत्तला ये है कि उनको भी वो शवाहिद दिखाए गए और उसके बाद उन्हें जो है वो खामोश
खुशी से फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद थे, उनको जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और साथ ही उनके जो मोबाइल हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। तहकीकात जो है वो और आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल दोनों तरफ चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो चाहे वो उमर अकमल हो, दोनों तरफ से खामोशी। यकीन तौर पर ये इंतहाई अहम ये पेशरफ्त है जो कि उमर अकमल के हवाले से सामने आई। अपडेट करें तो शुएब आपका बेहद शुक्रिया। उमर अकमल की जगह अनवर अली क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट का बिगड़ा बच्चा सुधर न सका, इस बार क्लीन चिट भी ना मिल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन, उमर अकमल को पीसीबी एंटी करप्शन कोड के तहत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मिडल ऑर्डर बैट्समैन तहकीकात मुकम्मल होने तक क्रिकेट से मुतालिक सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अकमल से कल रात होटल में तफ्तीशी एहलकारों ने पूछगछ की। उमर अकमल एहलकारों को मुतमाइन न कर सके। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कल शाम ही बता दिया गया था कि उमर अकमल पीएसएल के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कौमी क्रिकेटर के मोबाइल फोन पीसीबी ने ले लिए हैं। क्या पीएसएल का पहला ही मैच फिक्स था? ये एक अहम सवाल है। बोर्ड ने एक्शन लेकर इवेंट को बचा लिया। उमर अकमल को स्पॉट फिक्सिंग के शुभात पर एंटी करप्शन कोर्ट के तहत मुअत्तल किया गया। बोर्ड के पास उमर अकमल से मुतालिक ठोस शवाहिद मौजूद है। क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को भी कल तमाम शवाहिद दिखाए गए। ग्लैडिएटर्स के टॉप ऑफिशियल्स को भी मुकम्मल एतमाद में लिया गया है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, क्या ठोस शवाहिद मौजूद है बोर्ड के पास उमर अकमल के हवाले से? बिल्कुल रमीर, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे होलनाकी जो है तो खबर की बाहर आती जा रही है। अब हमें इंतहाई अहम जराये जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उमर अकमल के खिलाफ बड़े ठोस किस्म के शवाहिद है। शवाहिद है जिसके बाद उमर अकमल का बचना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपको याद होगा इससे पहले पीएसएल में जो है वो खालिद लतीफ, शर्जील खान, उन पर जब पकड़ा गया था तो यही कहा गया था कि उनके खिलाफ जो है बड़े ठोस शवाहिद हैं। वो खिलाड़ी इससे डिनाई करते रहे लेकिन बाद में उनको इसका एतराफ करना पड़ा और उसी केस में नासिर जमशेद जो है उनको जेल की आवाज भी खाना पड़ रही है इस टाइम यूके में। तो अब उमर अकमल के केस में भी ऐसा ही है कि पीसीबी के पास बड़े ठोस किस्म के शवाहिद थे और दो तीन दिन से उमर अकमल की जो है वो रैंकी भी जारी थी जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को वो शवाहिद दिखाए गए। उमर अकमल को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमारी इत्तला ये है कि उनको भी वो शवाहिद दिखाए गए और उसके बाद उन्हें जो है वो खामोशी से फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद थे, उनको जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और साथ ही उनके जो मोबाइल हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। तहकीकात जो है वो और आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल दोनों तरफ चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो चाहे वो उमर अकमल हो, दोनों तरफ से खामोशी। यकीन तौर पर ये इंतहाई अहम ये पेशरफ्त है जो कि उमर अकमल के हवाले से सामने आई। अपडेट करें तो शुएब आपका बेहद शुक्रिया। उमर अकमल की जगह अनवर अली क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट का बिगड़ा बच्चा सुधर न सका, इस बार क्लीन चिट भी ना मिल सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन, उमर अकमल को पीसीबी एंटी करप्शन कोड के तहत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। मिडल ऑर्डर बैट्समैन तहकीकात मुकम्मल होने तक क्रिकेट से मुतालिक सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अकमल से कल रात होटल में तफ्तीशी एहलकारों ने पूछगछ की। उमर अकमल एहलकारों को मुतमाइन न कर सके। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कल शाम ही बता दिया गया था कि उमर अकमल पीएसएल के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। कौमी क्रिकेटर के मोबाइल फोन पीसीबी ने ले लिए हैं। क्या पीएसएल का पहला ही मैच फिक्स था? ये एक अहम सवाल है। बोर्ड ने एक्शन लेकर इवेंट को बचा लिया। उमर अकमल को स्पॉट फिक्सिंग के शुभात पर एंटी करप्शन कोर्ट के तहत मुअत्तल किया गया। बोर्ड के पास उमर अकमल से मुतालिक ठोस शवाहिद मौजूद है। क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को भी कल तमाम शवाहिद दिखाए गए। ग्लैडिएटर्स के टॉप ऑफिशियल्स को भी मुकम्मल एतमाद में लिया गया है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, क्या ठोस शवाहिद मौजूद है बोर्ड के पास उमर अकमल के हवाले से? बिल्कुल रमीर, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे होलनाकी जो है तो खबर की बाहर आती जा रही है। अब हमें इंतहाई अहम जराये जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उमर अकमल के खिलाफ बड़े ठोस किस्म के शवाहिद है। शवाहिद है जिसके बाद उमर अकमल का बचना जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आपको याद होगा इससे पहले पीएसएल में जो है वो खालिद लतीफ, शर्जील खान, उन पर जब पकड़ा गया था तो यही कहा गया था कि उनके खिलाफ जो है बड़े ठोस शवाहिद हैं। वो खिलाड़ी इससे डिनाई करते रहे लेकिन बाद में
उसको इसका एतराफ करना पड़ा और उसी केस में नासिर जमशेद जो है उनको जेल की हवा भी खाना पड़ रही है इस टाइम यूके में। तो अब उमर अकमल के केस में भी ऐसा ही है कि पीसीबी के पास बड़े ठोस किस्म के शवाहिद थे और दो तीन दिन से उमर अकमल की जो है वो लैंकी भी जारी थी, जिसके बाद क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स को वो शवाहिद दिखाए गए। उमर अकमल को जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो हमारी इत्तला ये है कि उनको भी वो शवाहिद दिखाए गए और उसके बाद उन्हें जो है वो खामोशी से फैमिली के साथ यहाँ पे मौजूद थे, उनको जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और साथ ही उनके जो मोबाइल हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं। तहकीकात जो है वो और आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल दोनों तरफ चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो चाहे वो उमर अकमल हो, दोनों तरफ से खामोशी। यकीन तौर पर ये इंतहाई अहम ये पेशरफ्त है जो कि उमर अकमल के हवाले से सामने आई। अपडेट करें तो शुएब आपका बेहद शुक्रिया।